कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। कैथुनीपोल थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा नेता पर पड़ोसी ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा नेता अब्दुल वाहिद को MBS अस्पताल में भर्ती कराया है। मामले में पुलिस ने आरोपी अब्दुल सलाम को डिटेन किया है। मामले में दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस केस दर्ज कर पुलिस अनुसंधान कर रही है। कैथुनीपोल थाने के पुलिस निरीक्षक अनिल कुमार टेलर ने बताया कि आरोपी और फरियादी के बीच पहले से ही पुरानी रंजिश चल रही है। पूर्व में भी अब्दुल वाहिद के बड़े बेटे पर आरोपी ने हमला किया था, जिसका मुकदमा किशोरपुरा थाने में दर्ज हुआ था, जिसका कोर्ट में चलान पेश किया गया। मामले में पेशी चल रही है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को सुबह करीब 9:30 बजे अब्दुल वाहिद मुल्तानी एक्टिवा से बाजार जा रहा था, तभी आरोपी अब्दुल सलाम ने टक्कर मारी और गिराकर चाकू से पेट पर वार किए। आरोपी अब्दुल सलाम का कहना है कि वह कोर्ट से रिटायर्ड कर्मचारी है, उसके पैर में रॉड डली है। वह अपने घर जा रहा था, अब्दुल मुल्तानी ने उसे सूरजपोल गेट के पास टक्कर मारी, जिससे वह गिर गया और उसके चोट लग गई। इसके बाद स्वयं ने चाकू से पेट पर कट लगा लिए। चाकू से कोई हमला नहीं किया। उधर पुलिस ने आरोपी अब्दुल सलाम का भी मेडिकल करवाया और दोनों की रिपोर्ट पर क्रॉस केस दर्ज किया। आरोपी और फरियादी के बीच पहले से ही एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, जो कोर्ट में विचाराधीन चल रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि अंगदान मानवता की सेवा एवं समाज के लिए सर्वोच्च योगदान है। जीवनदान से बड़ा कोई पुण्य कार्य नहीं हो सकता। ये गर्व की बात है कि अल्प समय में ही राजस्थान ने अंगदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हुए कीर्तिमान बनाए हैं। प्रदेश में अंगदान को लेकर जो जनचेतना विकसित हुई है, उससे राजस्थान का गौरव बढ़ा है। अंगदान की ऑनलाइन शपथ में राजस्थान अव्वल है। खींवसर स्वास्थ्य भवन में आयोजित अंगदान जागरूकता अभियान एवं सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अंगदाताओं के परिवारों को सम्मानित करते हुए कहा कि ये परिवार अंगदान के क्षेत्र में रोल मॉडल हैं, जिन्होंने अपार दुख की घड़ी में अपने परिजन के अंगदान करने का साहसिक फैसला किया है। विगत दिनों प्रदेश में अंग प्रत्यारोपण के लिए फर्जी NOC का मामला सामने आया, तो अंगदान का कार्य प्रभावित हुआ, लेकिन राज्य सरकार ने इस मामले में सख्त एक्शन लिया और नई कमेटियों का गठन किया। झालाना स्थित RIC में 3 दिवसीय इंडिया ट्रेवल मार्ट की शुरुआत हुई। इस दौरान मार्ट में मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन और डेस्टिनेशन वेडिंग्स के तेजी से बढ़ते सेगमेंट पर प्रकाश डाला गया। इवेंट में भारत और विदेश के विभिन्न पर्यटन बोर्ड, रिसोर्ट, ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। शो में सत्र के दौरान वेडिंग इंडिया सहित पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई। वक्ताओं ने सत्र के दौरान कहा कि वेडिंग इंडिया से देश में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। भारत में वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए जगह की कमी नहीं है। यहाँ हेरिटेज स्थल, हेरिटेज होटल और कई खूबसूरत जगह हैं। वहीं राजस्थान इसके लिए एक उपयुक्त स्थान कहा जा सकता है। गोविंद देव और काले हनुमान मंदिर में राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। गोविंद देव मंदिर के महंत अंजन कुमार गोस्वामी ने मिश्र को पूजन करवाया। पूर्व राज्यपाल को मंदिर द्वारा ठाकुर की माला, दुपट्टा, शॉल, प्रसाद एवं ठाकुर श्रीजी की छवि आशीर्वाद स्वरूप भेंट किया गया। मंदिर में महंत गोपाल दास महाराज ने ठाकुर का चित्र भेंट किया। शहर में तेज बारिश का दौर जारी है। बारिश होने से लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है। लगातार बारिश होने से शहर की सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ स्थानों पर अधिक पानी भरा होने के कारण जाम की समस्या भी बन रही है। लगातार बारिश होने से लोग रास्ते में रुक रुक कर अपने गंतव्य तक पहुँचे। केसरी बाग बैंक्वेट वैशाली नगर में आयोजित शिम प्रीमियम राखी और एग्जीबिशन में महिला उद्यमियों और स्टार्टअप्स ने अपने एक्सक्लूसिव कलेक्शन शोकेस किए। इस एग्जीबिशन का उद्घाटन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की प्रमोटर और फाउंडेशन ट्रस्टी ज्योति अग्रवाल, कनोडिया कॉलेज की डॉक्टर सीमा अग्रवाल, 40 विमेन विंग की अध्यक्षा डॉक्टर अलका गौड़, मिसेज राजस्थान अंशु पारीख द्वारा किया गया। ऑर्गेनाइजर अलका अग्रवाल ने बताया कि 60 से ज्यादा महिला उद्यमियों ने 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन किया, जिसमें हैंडमेड और कलात्मक राखी, भगवान कान्हा की ज्वेलरी,
होम डेको, लग्जरी बेडशीट्स, कस्टमाइज्ड फैशन ज्वेलरी, गिफ्ट हैम्पर्स और कई अन्य वस्त्र और एक्सेसरीज शामिल थे। ये 36वां संस्करण है और जयपुर वासियों ने यहाँ जमकर शॉपिंग की। उद्यमियों को अच्छा रिस्पांस मिला और कई ऑर्डर्स भी बुक किए गए। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार, साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है, खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला, कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।